नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने प्यारे और नटखट साथियों का। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए लेटेस्ट अपडेट इन्फो गुरु इन्फॉर्मेटिव चैनल के साथ। दोस्तों, व्हाट्सएप तो आप यूज़ करते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें पर्सनल और ऑफिशियल यूज़ की, तो आज की डेट में जो पुरानी मेल्स होती थी या हम लोग चिट्ठी लिखकर हम एक दूसरे से बात करते थे, वो आज जितना भी ट्रेंड है वो सब व्हाट्सएप ने ले लिया है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप से जुड़ी हुई बातों। दोस्तों, अगर व्हाट्सएप की मैं बात करूँ तो वहाँ पर इतने फीचर्स हैं जो हम लोगों के रोज़मर्रा में आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गए हैं। जैसे कि हम लोग को वॉइस कॉल करनी है या फिर वीडियो कॉल करनी है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम ऑफिशियली यूज़ करें तो ऑफिशियली में भी हम वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, या फिर हम वहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग करके हम अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या फिर अगर हमें अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड को अपने स्टेटस दिखाना है या अपने फ्रेंड्स को अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है, तो हम वहाँ पर एक स्टोरी की तरह वहाँ पर व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, और न जाने कितने सारे फीचर्स और जुड़ जाते हैं जो व्हाट्सएप के अंदर होते हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप की। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में इतना पॉपुलर इस समय व्हाट्सएप हो चुका है कि व्हाट्सएप में सभी फीचर्स पे ना, पहले क्या था, पहले कोई लिमिटेशंस नहीं होती थी, लेकिन आज अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप पे अब कुछ लिमिटेशंस हो गए हैं जो आपको और हमें कुछ कुछ परेशान भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक नया व्हाट्सएप जिसका नाम है जीबी व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, आप इस जीबी व्हाट्सएप को डाउनलोड कर सकते। दोस्तों, जो लिमिटेशंस व्हाट्सएप ने लगा रखे हैं अपने फीचर्स पर जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ पर वो लिमिटेशंस को हटाने के लिए मैं एक नया सॉफ्टवेयर आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका नाम है जीबी व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, अब जीबी व्हाट्सएप कैसा है और वो किस तरह से काम करता है और व्हाट्सएप वाले जो फीचर्स पे जो लिमिटेशंस हैं वो यहाँ पर दूर कैसे होती हैं, आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। अब दोस्तों, आपका एक सवाल था कि जीबी व्हाट्सएप क्यों डाउनलोड करें, तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पर मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आया हूँ और यहाँ पर मैंने ये डाउनलोड पहले से ही प्री इंस्टॉल किया हुआ था जीबी व्हाट्सएप। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पर मेरी कॉन्टैक्ट्स हैं, और यहाँ पे अगर हम इसका इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग ऑनलाइन हैं तो व्हाट्सएप में वो फीचर्स नहीं है। इसके अंदर एक एड ऑन फीचर्स है कि वहाँ पर आपको ग्रीन लाइट दिखाई देगी जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि सामने वाला ऑनलाइन है। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर एरोप्लेन मोड है, इस एरोप्लेन मोड को आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बराबर में डार्क मोड है, डार्क मोड में आप यहाँ पर इस थीम को आप डार्क मोड में या नॉर्मल मोड में कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे जाएँ तो यहाँ पर सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन आप देखते हैं कि ये सभी उसमें व्हाट्सएप में भी होता है। और यहाँ पर कैमरा ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी आप अपना व्हाट्सएप से कनेक्टेड कोई भी कोई फ़ोटो लेना चाहें या उसको गैलरी में सेव करना चाहें या फिर आप किसी को फ़ोटो भेजना चाहें तो यहाँ पर आप इजीली भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम थ्री डॉट पर जाएंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको थ्री डॉट्स में ही ऑप्शंस मिलेंगे। हम यहाँ पर जाते हैं जीबी सेटिंग में, और जीबी सेटिंग में जाके सबसे पहला ऑप्शन आता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, तो हम यहाँ पर इसको क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन आता है फ्रिज लास्ट सीन। ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है। अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर हम इसको अनेबल कर देते हैं तो जो टाइम पे हमने इसको अनेबल किया है तो सामने वाले को हमारा जो व्हाट्सएप है ये फ्रिज हो जाएगा, वो लास्ट सीन वही दिखाएगा जहाँ जिस टाइम हमने इसको अनेबल किया है। तो जब तक आप इसको डिसेबल नहीं करेंगे तब तक लास्ट सीन का टाइम वो ही दिखाएगा जिस टाइम आपने जिस समय इसको अनेबल किया था। दोस्तों, मुझे तो सबसे ज़्यादा कमाल का फीचर यही लगता है कि इसमें आप जब चाहें तब अपना लास्ट सीन फ्रिज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको ऑनलाइन डिसेबल कर सकते हैं। और इसके बाद हम कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शंस में जाते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, हाइड ब्लू टिक्स, ठीक है ना, या हाइड सेकंड टिक्स, या हाइड ब्लू माइक्रोफोन, या हाइड टाइपिंग रिकॉर्डिंग,
तो यहाँ पर अगर आप इसको हाइड करते हैं तो ये फीचर आपका कॉन्टैक्ट्स में नहीं आएगा, यानी कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स में जो लोग हैं जो आपका व्हाट्सएप देख रहे हैं या आपने जिनको अपना मैसेज भेजा है तो वहाँ पर आपको सिंगल टिक, ब्लू टिक, है ना, डबल टिक और जो आपका रिकॉर्डिंग वाला जो ऑप्शन आता है तो वो चीज़ इसमें आपकी हाइड हो जाएगी। वो आप इजीली, ये देखिए आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको टिक करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मैसेज आता है तो उसको अभी इग्नोर ही करना है हमें, तो यहाँ पर हम इसको अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है ग्रुप का। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जो व्हाट्सएप यूज़ करता है वो किसी ना किसी ग्रुप में तो होता ही है, या फिर काफ़ी लोग होते हैं जो अपना ग्रुप बना के अपने जो यारों दोस्तों को या फिर ऑफिशियली या एक मीटिंग वाइज भी हम अगर देखते हैं तो ग्रुप काफ़ी काम में आते हैं, और ऑफिशियली तो इसका ग्रुप का काफ़ी यूज़ है। तो अगर आप ग्रुप वाली सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला हाइड ब्लू टिक्स, हाइड सेकेंड टिक और हाइड ब्लू माइक्रोफोन, हाइड टाइपिंग रिकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ें आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे मैं इसको अनेबल डिसेबल कर रहा हूँ, इस तरह से आप इसको टिक कर सकते हैं, और टिक करके आप इसको अनटिक करके भी आप मतलब इसको अनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा ऑप्शन आता है ब्रॉडकास्ट का। अच्छा, इसमें भी आप ऑप्शन इसको भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको तीन ऑप्शन दिखाएगा, यानी कि हाइड ब्लू टिक्स, हाइड सेकेंड टिक और हाइड ब्लू माइक्रोफोन। तो आप यहाँ पे भी इसको अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और ये ब्रॉडकास्ट का ही होता है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि ब्रॉडकास्ट से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो आपने अपना ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है या किसी ने आपको अपने ब्रॉडकास्ट में डाला हुआ है, तो वहाँ पर भी आप ये ऑप्शन डाल के आप इसको टिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ों से, मतलब आप नहीं चाहते कि सामने वाला ब्लू टिक देखे या फिर मैं देखूं तो वो सामने वाले को दिखाई दे, तो वो उस तरह से भी आप इस ऑप्शन को अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का फीचर है और इसको आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नीचे आता है कस्टम प्राइवेसी का। यहाँ पर आप देखते हैं तो इसमें भी आप अपने अनुसार अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, व्यू ऑल किया हुआ है वैसे अगर मैं वैसे बात करता हूँ। अच्छा, इसके नीचे एक ऑप्शन और आता है हु कैन कॉल मी। तो यहाँ पे अगर आप एवरीवन करेंगे तो सभी की कॉल आपके पास आ जाएगी। माई कॉन्टैक्ट्स की बात करेंगे तो सिर्फ जो आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं सिर्फ वही आपको कॉल कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप नोबडी करेंगे तो यहाँ पर आप नोबडी करेंगे तो कोई भी अगर आपको वॉइस या वीडियो कॉल करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट कॉन्टैक्ट्स अगर कर सकते हैं तो यहाँ पर भी आप अपने कॉन्टैक्ट्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर मान के चलिएगा आपको सिर्फ ओनली टू फ्रेंड्स से ही कनेक्शन रखना है या कनेक्टेड रहना है तो वहाँ पर आप उनके दोनों के यहाँ पे नंबर सेव कर देंगे, तो सिर्फ व्हाट्सएप पे जो वॉइस और वीडियो कॉल होगा वो सिर्फ उन दो जो आपके दो फ्रेंड्स हैं सिर्फ वो दो ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं आगे की, तो यहाँ पर नो इंटरनेट कॉलिंग, ये ऑप्शन आप कर सकते हैं, कॉल डिक्लाइन या नॉट आंसर, ये सब इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पीछे, और यहाँ पर हम बात करते हैं एक अलग से ऑप्शन की, जिस ऑप्शन का नाम है डिसेबल फॉरवर्डेड। तो अगर आप इसको डिसेबल फॉरवर्डेड कर देंगे तो यहाँ पर अगर आप इस फीचर्स को अनेबल कर देते हैं तो दूसरे के भेजे मैसेज किसी को भी पता नहीं चलेंगे कि वो आपने फॉरवर्ड किए हैं। तो दोस्तों ये भी एक कमाल का फीचर है। और आगे चलते हैं एंटी डिलीट मैसेज, तो इसको भी आप अगर अनेबल कर देते हैं तो अगर आप इस कमाल के फीचर्स को अनेबल करेंगे तो सामने वाले ने अगर आपका मैसेज डिलीट कर दिया, यानी कि सामने वाले ने अगर अपना मैसेज डिलीट कर दिया है तो वो आपको 24 घंटे तक आपको दिखाई देता रहेगा। तो ये भी एक बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों। इसके बाद है शो ब्लू टिक आफ्टर रिप्लाई। दोस्तों जैसे कि मेंशन है कि कॉन्टैक्ट विल ओनली सी ब्लू टिक्स आफ्टर योर रिप्लाई, तो यानी कि जब तक सामने वाला आपको मैसेज भेजता है और जब तक आप उसका रिप्लाई नहीं करते हैं तब तक सामने वाले को अपना मैसेज में ब्लू टिक नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप इसको अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं।
और इसके बाद नीचे अगर हम बात करें इसके और फीचर्स की, तो यहाँ पर हाइड व्यू स्टेटस आ जाता है। तो हाइड व्यू स्टेटस में अगर आपने ये कमाल का फीचर अनेबल किया तो आप किसी का स्टेटस देखेंगे तो भी सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज देख लिया, यानी कि उसका स्टेटस देख लिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक कमाल का फीचर है, इसको भी आप हाइड या अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एंटी डिलीट स्टेटस की, ये भी बहुत बढ़िया फीचर है जो मुझे खास जीवी व्हाट्सएप का कमाल का फीचर लगता है। वो इसलिए कि जब भी आप इसको हम इसकी अगर हम बात करें डिलीट मैसेज की, दोस्तों एंटी डिलीट स्टेटस का अगर आप ऑप्शन को अनेबल डिसेबल करेंगे तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी ने अपना स्टेटस लगा कर तुरंत हटा लिया तो आपको 24 घंटे तक पता चलता रहेगा कि उसने कौन सा मैसेज या कौन सा स्टेटस उसने लगा के हटाया है। ये काफ़ी अच्छा कमाल का फीचर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट्सएप लॉक। यहाँ पर आप व्हाट्सएप में लॉक लगा सकते हैं, यहाँ पर फिंगरप्रिंट पैटर्न का या पिन का, इसके हिसाब से आप इसको अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इतने सारे फीचर्स हैं ना दोस्तों, आपको व्हाट्सएप में नहीं मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप इसको चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, चेंज पैटर्न कर सकते हैं, रिकवरी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो आगे अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो वहाँ से आप इसको रिकवरी कर सकते हैं। चेंज लॉक पैटर्न वॉलपेपर, यहाँ पर मेक पैटर्न इनविजिबल कर सकते हैं, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर डिसेबल पैटर्न वाइब्रेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं दोस्तों, वैसे तो काफ़ी फीचर्स हैं इसमें व्हाट्सएप जीबी में। अगर मैं जीबी सेटिंग्स के अलावा अगर मैं बात करूँ आगे, तो जीबी सेटिंग में जीबी स्ट्रिगर्स हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेट्स हैं जो टाइम टू टाइम अपडेट्स आती रहती है, वो भी सब आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम अबाउट में जाएंगे तो उसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद थीम्स हैं, थीम्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये सेटिंग्स हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। यहाँ पर थीम आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, ये सब सेटिंग्स हैं। और क्योंकि अगर मैं पूरी सभी चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। और यहाँ पर यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल में आप कलर और जो चैट में कलर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर सेटिंग्स और है। यहाँ पे ऐप लैंग्वेज और ये आप ट्रांसलेशन सेटिंग्स वगैरह लैंग्वेज है, ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इसको वापसी जाता हूँ यहाँ पे, तो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन में यहाँ पे हाइडर है, हाइडर पे यहाँ पे अनेबल इंस्टाग्राम। अभी मैंने इसको इंस्टाग्राम को मैंने इसमें आईडी अभी लॉगिन नहीं की है तो इसी वजह से यहाँ पे वो दिखाएगा नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपनी आईडी लॉगिन कर देंगे तो आपको जो मेन इंटरफेस है उसके ऊपर आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसमें काफ़ी लंबी सेटिंग्स हैं, आप सब अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बटन्स भी है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है फीचर्स हैं, लेकिन ये फीचर्स जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ वो आप इजीली आराम से बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि वो इतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है फीचर्स। जितने इंपॉर्टेंस जो जो मेन मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चैट स्क्रीन है, चैट स्क्रीन को आप एक्शन बार, पिक्स है, अगर हमें बबल्स डालने हैं उसमें, यहाँ पर किस किस स्टाइल में करने हैं, तो वहाँ पर भी आप ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोर ऑप्शन की, मोर ऑप्शन में भी आप देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ज़्यादातर मोस्टली कलर्स के ऑप्शन मिलते हैं और आप अपने पिक्स लगा सकते हैं इसमें। और इसके बाद हम यहाँ पर चैट स्क्रीन के बाद यहाँ पर मेन जो फंक्शन है उस पर आ जाते हैं। ये हमारा मेन इंटरफेस है और यहाँ पर जैसे मान के चलेगा ये बोट का नंबर है, बोट के नंबर पर मैंने ये जो मैसेज आया ये एक्चुअली एक मेरा बोट का सेट था, उसको मैंने वारंटी क्लेम किया है तो उसी का मैसेज आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस मान के चलिएगा कि आपका यहाँ पर बाबू शोना का नंबर है, तो यहाँ पर जो नंबर है और आप ये चाह रहे हैं कि आपके जो जानकार हैं जो ये व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर ये चैट नहीं आनी चाहिए, तो आप यहाँ पर सिंपली ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हाइड चैट कर देंगे और यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो चैट है यहाँ पर आपको ईज़िली नहीं मिलेगी और ये हाइड हो जाएगी। अब दोस्तों मैसेज को हाइड करने के बाद अगर हमें फिर दोबारा से वो मैसेज देखना है तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर की साइड में जाना है लेफ़्ट साइड से, और यहाँ पर क्लिक करके हमें जो पासवर्ड पैटर्न जो भी पिन जो भी आपने सेट किया था वहाँ पर जाना है, और यहाँ पर ये मैसेज हम यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ये पूरा अपडेट भी होता रहेगा जो जो मैसेज है उसके अकॉर्डिंग।
और अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें, अब दोस्तों बात करते हैं स्टेटस की, जो सबसे कमाल का फीचर है। यानी कि अब क्या होता है कि कभी कभी ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है उन लोगों को ना, कभी कभी एक दूसरे का स्टेटस देखना ज़रूर होता है लेकिन उसको दिखाना नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो GB व्हाट्सएप है वो सबसे ज़्यादा यूज़ ही इसी चीज़ के लिए होता है। कि अब इसमें एक फ़ीचर्स बड़ा कमाल का है जो ख़ास बाबू सोना वगैरह वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि ये प्लस का आइकन है, प्लस के आइकन में हम जाते हैं और चैट का तो मैंने आपको बता दिया, और सेकंड ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर स्टेटस का। अगर आप किसी का स्टेटस देखते हैं तो जब तक आप इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे, ये देखिए, इस ऑप्शन पर जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जैसे कि ये देखिए, इस ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया, तो इसके बाद क्या होगा कि मैं किसी का स्टेटस देखूँगा तो सामने वाले को स्टेटस देखने के बाद भी, जब मैं उसको उसका स्टेटस देख लूँगा उसके बाद भी उसको ये पता नहीं चलेगा, ना ही मेरा नंबर शो होगा कि मैंने उसका ये स्टेटस देख लिया है। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है जो मोस्टली बॉयज़ गर्ल्स में और ये ब्रेकअप में ये सारी चीज़ें सब टाइम पे काम आती हैं, ये सब चीज़ें, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और अभी क्या है कि अब हम नेक्स्ट उस पर ऑप्शन पे जाते हैं। दोस्तों वैसे ऑप्शन के मामले में अगर मैं बात करूँ हाइडर का, तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर आप किस तरह से इंस्टाग्राम स्टोरी को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आगे जाके वहाँ पे अगर हम हाइडर पे देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, ये देखिए, GB सेटिंग पे और होम स्क्रीन पे हाइडर पे जाके देखते हैं, तो यहाँ पर हम अपना सेट माय नेम भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वो जो स्टोरी होगी उस स्टोरी पे भी आपका जो है, ये आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पे भी आपका नाम इसमें शो होगा, ठीक है ना। और अब वैसे व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर जाके देखते हैं, दो फीचर्स और बढ़ चुके हैं। यानी कि अभी मैंने ये इंस्टाग्राम को अभी अनेबल नहीं किया, तो यहाँ पर ऊपर ना लेफ़्ट साइड में ऊपर आपको इंस्टाग्राम भी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, उसकी स्टोरीज आनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे कमाल का फीचर इस व्हाट्सएप GB व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस अनोखे व्हाट्सएप जो GB व्हाट्सएप है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। और अगर आपको कुछ भी और पूछना है तो आप आ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों देखा आपने ये GB व्हाट्सएप कितना अनोखा है, और इस अनोखे फीचर्स की बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं आपको डेली रूटीन में ये फ़ीचर्स आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए भारत माता की जय।